दोस्तों कुछ यूजर का कहना होता है कि हमारे कभी कभी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एक्सेल फाइल नहीं खुलती है, कुछ इश्यू आ जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है कभी कभी एक्सेल फाइल खुलती नहीं है, कभी कभी वो एक्सेल फाइल खुलते हैं तो कुछ और खुल के आता है, तो ये क्यों होता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर एक्सेल फाइल में कुछ एरर आ रहा है या कह सकते हैं एक्सेल फाइल नहीं खुल रही है, कुछ और फाइल खुल के रही है, एक्सेल पर क्लिक करने पर कुछ और प्रोग्राम खुल रहे हैं या सॉफ्टवेयर खुल रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या है तरीका, कहां गलती कर रहे हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई फाइल को खोलते हैं, जैसे कि एक्सेल फाइल ही खोल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डिफॉल्टेड जो एक्सेल फाइल का प्रोग्राम होता है क्या सॉफ्टवेयर होता है वो सेट नहीं होता है, वो कोई और सेट होता है डिफॉल्टेड। जैसे कि एक्सेल फाइल में आपका कोई प्रोग्राम या कह सकते हैं कोई मीडिया है, जब आप उसको खोलेंगे तो मीडिया ओपन होगा या वीडियो ओपन होगी, क्योंकि वो डिफॉल्ट सेट है एक्सेल के प्रोग्राम में, तो इसे हमें हटाना होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, इस एक्सेल फाइल को खोलने के लिए सिंपल सा राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विथ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिफॉल्टेड कीप यूजिंग दिस ऐप एक्सेल आ रहा है, मोर ऐप पर जाएंगे, हम चाहते हैं कि हम एक्सेल खोले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खुले, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाता है ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन एक्सेल फाइल। जब भी एक्सेल फाइल खुलेगी या हम खोलें अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल कर आए, तो ये गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत से यूजर एक्सेल फाइल खोल रहे हैं तो कोई भी प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट कुछ और या फिर कोई और प्रोग्राम या वीडियो, ये डिफॉल्ट सेट हो जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर सिखाने के पर्पज़ से, एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये फाइल आपको एक्सेल की इसमें खुलेगी, ठीक है, और जो भी आप प्रोग्राम खोलेंगे एक्सेल का वो इसके अंदर ही आपको मिलेगा, देखेंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही आई, क्योंकि आपने डिफॉल्टेड एक्सेल फाइल का एक्सेलएस प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर दिया है, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करूँगा, आपके साथ यही इशू हो रहा है, ये नहीं खुल रही एक्सेल फाइल, ये आप कोई भी प्रोग्राम या आपका कोई प्रोग्राम सेट है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, आपको करना कैसे, सिंपल सा राइट बटन क्लिक करना है, ओपन विथ पर जाना है और यहाँ पर चूज अनदर ऐप पर क्लिक करना है, डिफॉल्टेड एक्सेल आप सिलेक्ट करेंगे और ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, बस आपको ये सेटिंग कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। अब इसे आप ओपन करेंगे तो एक्सेल में ये फाइल खुलेगी। यही गलतियाँ करते हैं, ये कह सकते हैं सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है अपने कंप्यूटर लैपटॉप की, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक्सेल फाइल नहीं खुली तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं खुले तो फाइल को आप कन्वर्ट कीजिए, ऑनलाइन टूल है स्मॉल पीडीएफ या कह सकते हैं आई लव पीडीएफ, इस तरह की वेबसाइट हैं ऑनलाइन, या एक्सेल की कुछ और वेबसाइट हैं जैसे कि बट टू एक्सेल है, ठीक है, फाइल कन्वर्टर हैं, और फाइल कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसका उपयोग कीजिए, तो वहाँ से भी ये इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है यही इशू होता है कि डिफॉल्टेड प्रोग्राम कुछ और सेट होता है फाइल के अंदर, वही प्रॉब्लम करता है। तो आपको एक्सेल सेलेक्ट करना है ऑलवेज दिस ऐप में, ठीक है, और फिर खोलेंगे तो फाइल शो होने लगेगी, फाइल भी ओपन हो जाएगी, है ना। तो कुछ सेट वीडियो भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, या अदर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।